नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है उनकी राशि जो यहां पर दुगुनी कर दी गई है। यानी कि जो भी लाभार्थी जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, जिनका जो है 6,000 रुपये का जो है सलीना दिए जाते हैं आप लोगों की यहाँ पर, यानी कि 4 मंथ पर एक किस्त जो दिए जाते हैं 2,000 रुपये को, उसको जो है यहाँ पर 4,000 रुपये जो है यहाँ पर करने का जो है यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। यानी कि जो आप लोग को 6,000 का सलीना जो दिए जाते हैं, उस सलीना को जो यहाँ पर 12,000 रुपये जो है यहाँ पर करने का जो है यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। आप लोगों की अब जो है यहाँ पर राशि जो यहाँ पर दुगुनी कर दी गई है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो भी किसान लाभ ले रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी जो यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो आप लोग की राशि जो यहाँ पर दुगुनी कर दी गई है। आप लोगों की नेक्स्ट किस्त जो है आप लोग को कितने मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे या 4,000 मिलेंगे, सारा जानकारी जो है आप लोगों की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल बेल घंटी जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं लास्ट। इससे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि होगी दुगुनी। यानी कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो भी आप लोग को पैसे दिए जाते हैं, ये जो है अब दुगुनी होगी। यानी कि यहाँ पर साफ साफ जो यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, यानी कि 6 से बढ़ाकर जो आप लोगों की सलीना जो है, आप लोगों की 12 मंथ में यहाँ पर 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं, 2,000 का किस्त जो दिए जाते हैं, उस किस्त को यहाँ पर यानी कि सलीना को बढ़ाकर अब 12,000 रुपये जो है प्रति वर्ष की जा सकती है। राशि शीघ्र घोषणा संभव। यानी कि यहाँ पर जो है अब जो आप लोग के लिए जो है काफ़ी बड़ी जो है खुशखबरी जो आप लोग के बीच जो है निकल कर आ रही है। अब जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार किसानों की अब 6,000 की जगह जो है 12,000 रुपये प्रति वर्ष देने पर विचार कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर पटना लौटे बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जो शीघ्र ही यहाँ पर दुगुनी होने वाली है, क्योंकि जो है इस पर जो है अब जोर शोर से जो है इस पर काम जो है शुरू कर दिया गया है। केंद्र की ओर से राशि बढ़ाने की तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने आप लोगों की यहाँ पर 12,000 की सलीना देने की तैयारी जो है पूरी कर ली है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, इससे किसानों की आय दुगुनी करने की कवायद जो है माना जा रहा है। अगर आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं लेते हैं, अगर आप लोग जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो आप लोग को कहाँ से और कैसे जो है आवेदन करना है, कैसे लाभ लेना है, इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। सारा जानकारी जो इस वीडियो में देने वाला हूँ आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है। अब जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश में फिलहाल 80,13,316 किसानों को योजना के तहत मिल रहा है प्रति वर्ष 6,000 रुपये। अब 6,000 के बदले जो यहाँ पर 12,000 रुपये करने की कवायद जो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अब जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में इस योजना का फायदा अभी 80,13,316 किसान जो है उठा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही उनके खाते में 2,000 रुपये की कुल जो है 1,602 करोड़ आए है। दिसंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत अभी तक किसानों के खाते में कुल 9 किस्तें जो है आ चुकी है, जो पिछले हफ्ते में यानी कि पिछले सप्ताह में जो है सभी किसानों के खाते में जो किस्त भेजी गई वे जो है 9वीं किस्त था, यानी कि 9वां किस्त जो है सभी किसानों के खाते में भेज दी गई है। प्रधानमंत्री ने 9 अगस्त को 9वीं किस्त के रूप में देश भर के 9.75 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपये जमा कराए थे। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाती है। केंद्र सरकार की इस योजना से वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने में यहां पर मदद मिलेगी। दिसंबर में जो है यहां पर आप लोग को 10 किस्त जो है 10वीं किस्त जो है आप लोग के बीच जो है दिए जाएंगे। ये जो 9वीं किस्त जो है आप लोग के बीच दे दिया गया है। अब नेक्स्ट किस्त जो है आप लोग को अब यहाँ पर कितना मिलेंगे, 2,000 के बदले जो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर अब कितना मिलेगा, 4,000 जो है आप लोग को दिया जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त।
अब देखिए यहाँ पर किसानों का लाभ, केंद्रीय मंत्री से मिलकर लौटे बिहार के कृषि मंत्री ने किया दावा। पीएम किसान सम्मान निधि की जो है दिसंबर 2018 में जो है शुरुआत की गई थी। अब इसमें जो है जो लाभार्थी जो है इसमें शामिल नहीं है, यहाँ पर देखिए बढ़ेगी आमदनी। मंत्री ने बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र लगातार प्रयासरत है। किसान सम्मान योजना इस दिशा में सफल और सार्थक जो है सिद्ध हुई है। देश में अब तक इस योजना में 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि इतने अमाउंट जो है सभी किसानों के खाते में इतना पैसा जो है भेजा जा चुका है। अब इसमें जो किसान इसमें शामिल नहीं है, जो आवेदन करना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि किसान जो यहाँ पर कैसे जो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर जो आप लोग को सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकृत किसान पत्रता प्रमाणित करने के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप लोग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पंचायत समन्वयक अंचला अधिकारी एवं अपर समाहर्ता राजसभा से स्वीकृत होने के बाद आप लोगों की यहाँ पर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। जैसे आप लोग को आवेदन करने के बाद यहाँ पर जो है साफ साफ बताया गया है पंचायत समन्वयक अंचला अधिकारी एवं अपर समाहर्ता राजसभा से जैसे आप लोग का यहाँ पर आवेदन का आपका फॉर्म का जो है यहाँ पर स्वीकृत मिल जाएगा, उसके बाद जो भारत सरकार के पोर्टल पर जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो है आप लोग का किस्त जो है आप लोग के खाते में आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग को आवेदन करना है तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग की स्टेप बाय स्टेप जो है आवेदन करके लाइव प्रूफ में बता दूंगा। आप लोग आसानी से जो है घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप लोग ज्वाइनिंग हो सकते हैं, उसमें जो आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर किसानों के लिए जो है ये बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि अब जो है आप लोग को जो भी दिसंबर में किस्त दिए जाएंगे यहाँ पर दिसंबर से जो है यहाँ पर 12,000 रुपये जो है यहाँ पर दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। अब जो यहाँ पर आप लोग को 4,000 का किस्त जो यहाँ पर आप लोग को दिए जाएंगे। हो सकता है तो दिसंबर में आप लोग को 10वीं किस्त जो आप लोग के बीच जो यहाँ पर दिए जाएंगे, वे जो है आप लोग को अब 4,000 रुपये जो यहाँ पर आप लोग के बीच जो यहाँ पर दिए जा सकते हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी जो है केंद्र सरकार की ओर से जो है कर ली गई है। आप लोग को पता होंगे कि जितने जो यहाँ पर सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है सभी योजना में से जो है एक बेस्ट योजना जो है यहाँ पर महत्वाकांक्षी योजना जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ही योजना है। यही योजना जो है महत्वाकांक्षी योजना है और इसी योजना का लाभ जो यहाँ पर सभी किसानों के खाते में डायरेक्ट जो यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। इसके बीच में कोई भी यहाँ पर दलाल फलाल का बस्ती जो यहाँ पर नहीं बसता है, ये जो है डायरेक्ट जो है आप लोगों के खाते में ही दिए जाते हैं इस योजना का लाभ। इसलिए जो है ये प्रधानमंत्री का जो है ये महत्वाकांक्षी योजना है कि इसका लाभ जो है डायरेक्ट किसानों तक पहुंचती है। ये कोई भी बिचौलिया कोई भी यहाँ पर दलाल फलाल के चक्कर में जो है ये सब पैसा दलाल फलाल के बीच में नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट जो है किसानों के बैंक खाते में दिए जाते हैं। इसलिए जो है इस योजना को और जो यहाँ पर बेहतर बनाने में यहाँ पर सरकार ने जुट गई है और पूरी भी तैयारी भी यहाँ पर कर ली है कि अगली किस्त जो यहाँ पर आप सभी किसानों को 4,000 की किस्त जो है मिलेंगे। तो पता होंगे कि यहाँ पर 12 मंथ में जो आप लोग को 3 किस्त जो है दिए जाते हैं, 4 मंथ पर 1 किस्त दिए जाते हैं, 8 मंथ पर 2 किस्त और 12 मंथ पर 3 किस्त आने की जो है 2,000 का जो यहाँ पर 3 किस्तें जो दी जाती है यहाँ पर 6,000 रुपये। अब जो यहाँ पर 4,000 का किस्त जो है आप लोग को 3 बार मिलेंगे 3 किस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 जो आप लोग को प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। एक और जो है यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो है अभी योजना यानी कि 15,000 से बढ़कर सब्सिडी हो जाएगी 35,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर राज्य में लगेंगे 21,000 निजी नलकूप, यानी कि अब जो है यहाँ पर हर खेत तक सिंचाई का सर्वे का काम जो यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं अब जो आप लोग को मिलेगी सुविधा, सस्ती होगी खेती, किसानों को अब यहाँ पर होगा ज़्यादा लाभ। राज्य में हर खेत तक सिंचाई अभियान के तहत 2025 तक करीब 21,000 निजी नलकूप लगाने की योजना है। निजी नलकूप लगाने के लिए लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की भी यहाँ पर तैयारी हो रही है। इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर लागू किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर अभी जो है लागू नहीं किया गया है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी वैसे जो है इस योजना को मंजूरी मिलते ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ जो है बताया गया है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो है ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पर सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक वंदे मातरम।